हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया कि मैं एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के स्पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूँ। सो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए हम इस सभा के आरंभ में एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 धन्यवाद। आज का दिन ये यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, सच में आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ आनंदित होंगे प्रभु में। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के इस लाइव पेज के लिए, जिस पर मुझे यह अवसर मिला कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूँ। सो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने भाई प्रभु के सेवक अनुपम डेविड सर का, सिस्टर शबनम जी का,
कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम उनके इस लाइव पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूँ। सो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए आज का जो वचन मैंने अपने लिए और आपके लिए चुना है वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर 17 आयत तक। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 13 पद से 17 पद तक। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है 13 पद से, क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। और हाँ, मैंने स्तफनुस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और जिंदा आसमानी बाप, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं खुदावन, इस ज़िंदगी के लिए जो खुदावन तूने अपने बड़े फजल में होकर हम में से हर एक को दी है खुदावन, कि हम जिंदों के जहीन पर पाए जाते हैं। हाँ खुदावन, ये तेरा प्यार है, ये तेरा फजल है जो खुदावन हमारी जिंदगियों के ऊपर बना रहा। प्यारे खुदावन, और प्यारे खुदावन, उसके साथ साथ हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, जिसके द्वारा खुदावंदा हमें ज़िंदगी मिलती है। प्यारे खुदावन, हम दुआ क्या चाहते हैं कि आज की शाम तेरा कलाम जब तेरे रूह के मार्फत हमारे मुंह से निकलता है तो खुदावन ये सुनने वालों के लिए आशीष का वसीला ठहरने पाए। प्यारे खुदावन, हम अपने आप को फिर सुनने वालों को तेरे लहू में छुपाते हैं, पाक रूह से मिन्नत करते हैं कि तो हम सब की अगुवाई करना और अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीष देना। बड़े शुक्रगुजारी के साथ ये दुआ अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से कि हम लोग इन दिनों में सीजन में चल रहे हैं, जिसमें हम यीशु मसीह के उस क्रूस के ऊपर बलिदान के ऊपर ध्यान करते हैं, जहाँ पर हमारा प्रभु हमारे और कुल जहान के गुनाहों को लेकर कुर्बान हो गया। हम इन दिनों में खुदा यीशु मसीह की उस कुर्बानी को याद करते हैं, जिसके वसीले से तमाम इंसानों के लिए नजात का जो दरवाज़ा था वो खुल गया, और इंसान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाकर अपने गुनाहों से तौबा करके उस नजात को हासिल कर सकता है। सो इन दिनों के लिए हम खुदा उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये बड़े मुबारक दिन हैं, और ये मुबारक इसलिए हैं कि ये मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि ये लंच डे में ही मैंने एक कॉटेज प्रेयर मीटिंग में परमेश्वर के वचन को सुना था, और वहीं से मेरा जीवन प्रभु ने पूर्ण रीति से बदल दिया था। सो आज भी हमारी यही दुआ है कि इन तमाम लैंड्स मीटिंग जो हो रही हैं जगह जगह दीगर जगहों पर दीगर शहरों में, खुदावन उन सारी जगहों में अपने खादिमों को बहुत आयत से इस्तेमाल करे, और बहुत सारी रूहें खुदावन यीशु मसीह के लिए जीती जाएं। अभी जो कलाम हमने पढ़ा इसमें एक शब्द आया है, और वो है कि क्रूस। लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को इस बात को बताना चाह रहा है कि मैं जब इस सेवकाई में आया तो मैंने बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा नहीं दिया। कुछ एक गिने चुने नाम हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं,
जो पौलुस हमें बताता है कि मैंने उनको बपतिस्मा दिया। लेकिन वो आगे इस बात को कहना चाहता है कि मैंने इन गिने चुने लोगों को बपतिस्मा दिया, लेकिन मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं चुना या नहीं भेजा, वरन सुसमाचार सुनाने को मसीह ने हमें इस दुनिया में भेजा है। और या भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहर जाए। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के सामने मसीह यीशु के क्रूस को रखना चाहता है और उस क्रूस पर बलिदान हुए प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको सिखाना चाहता है और इस बात को बताना चाहता है कि क्रूस एक ऐसा निशान है मसीह जीवन में जहाँ पर हमारा प्रभु जो है हमारे पापों को लेकर और समस्त संसार के पापों को लेकर क्रूसिफाई हुआ, बलिदान हुआ और उसने हमारे पापों का कफारा दिया। आज जो क्रूस है, पौलुस के लिए क्रूस बहुत महत्व रखता था क्योंकि पौलुस जानता था कि ये जो क्रूस की जो सामर्थ है वो इतनी महान है कि वो एक बिगड़े हुए जीवन को, एक पतित जीवन को जो निरंतर पाप में बना हुआ है, जो पाप में पैदा होता है, उस जीवन को बदलने की सामर्थ जो है वो इस क्रूस में पाई जाती है क्योंकि हमारा प्रभु यीशु इस क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। और हम पौलुस हमें ये बताना चाहते हैं कि ये जो क्रूस है आज के समय में हमारे लिए और आपके लिए एक सजावट का सामान बनकर रह गया है। हम उसको गले में धारण करते हैं, हम उसको घरों में लगाते हैं, हम उसको चर्चेस में लगाते हैं। ये एक सिंबल है मसीही लोगों का और बहुत ही खूबसूरत तरीके के क्रॉस आजकल बनाए जा रहे हैं और हम तरह तरह के क्रूस को देखते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन इस क्रूस का मेरे जीवन में क्या महत्व है, इस क्रूस का मेरे जीवन में या आपके जीवन में क्या महत्व है, हम सात बातों को आज क्रूस के संबंध में देखेंगे जिससे लोग अपने जीवन में बहुत बार केवल सजावट का सामान बनाकर व्यर्थ ठहरा देते हैं। आज हम सात बातों को देखेंगे कि ये क्रूस मेरे जीवन में क्या महत्व रखता है, पौलुस के जीवन में क्या महत्व रखता था। तो पहली बात है कि ये जो क्रूस है ये हमें इस बात को सिखाता है कि जिस जीवन में मेल मिलाप नहीं आया है तो क्रूस हमारे जीवन में व्यर्थ है। जिस जीवन में मेल मिलाप नहीं आया तो क्रूस हमारे जीवन में पूरी तरह से व्यर्थ है। इफिसियों का दूसरा अध्याय हम इस बात को बताता है कि हम सब जो मानव जाति हैं वो परमेश्वर से क्या हैं, अलग किए हुए हैं अपने पापों के कारण से। लेकिन इफिसियों 2:16 हमें बताता है और क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या काम किया कि क्रूस पर उसने बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का समाचार सुनाया। अब पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि वो जीवन जो क्रूस को धारण करता है, वो जीवन जो क्रूस के बारे में जानता है, लेकिन यदि उस जीवन में अभी तक मेल मिलाप नहीं आया है किसके साथ, परमेश्वर के साथ, यदि उसका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ नहीं हुआ है तो बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए काम किया है क्रूस पर कि उसने बैर को नाश करके हमारा मानव जाति का बैर जो है वो किसके साथ था, परमेश्वर के साथ था। हम परमेश्वर के बैरी थे पाप ने पापों के कारण से
और यीशु मसीह ने क्या करा कि उस पाप को, उस गुनाह को अपने ऊपर उठाकर वो क्रूस के ऊपर उसने बलिदान दिया और समस्त मानव जाति के लिए उसने पापों की क्षमा का द्वार खोल दिया, उद्धार का द्वार खोल दिया। और आगे चलकर वो कहता है कि उसने आकर तुम्हें जो दूर थे उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। हम सब अपने पापों के कारण से परमेश्वर के बैरी थे, परमेश्वर से दूर थे, अलग किए हुए थे, लेकिन यीशु मसीह आए और उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। क्योंकि व्यवस्था कुछ इस प्रकार बताती है कि जो व्यक्ति पाप करता है उसे व्यवस्था के अनुसार को पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था। और ये जो बलिदान होता था ये मेढ़ों का, बकरों का और पंडुकी का और चिड़ियों के बलिदान हुआ करते थे पाप के अनुसार। और हम देखते हैं कि एक साल के लिए, एक वर्ष के लिए उनके जो पाप थे वो ढांप दिए जाते थे और ये प्रतिक्रिया प्रति वर्ष उनको करनी पड़ती थी। लेकिन यीशु मसीह एक ही बार हमारे लिए बलिदान हुए और उन्होंने हमारे सारे पापों को क्षमा करके उसका कफारा दिया और हमारे लिए उद्धार का द्वार खोल दिया। और हमारा मेल जो है, हम जो परमेश्वर के बैरी थे, हम जो परमेश्वर से अलग थे, हमारा मेल उसने परमेश्वर के साथ करा दिया और अब हम उसके बैरी नहीं हैं बल्कि अब हम उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं। तो यदि ये क्रूस जिसे हम अपने घरों में सजाते हैं, अपने गलों में टांगते हैं, यदि इस क्रूस को जानने के बाद, इस क्रूस के ऊपर बलिदान हुए यीशु को जानने के बाद यदि हमारा मेल परमेश्वर से नहीं हुआ है तो हम इस क्रूस के बैरी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बैरी हैं। और परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा इस बैर को ख़त्म कर दिया। और बाइबल बताती है कि उसने उस अलग करने वाली दीवार को क्या करा, ढा दिया, गिरा दिया अपने बलिदान के द्वारा और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करा दिया। आज बहुत बड़ा सवाल है कि हम जिस क्रूस के बारे में जानते हैं क्या ये क्रूस हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, क्या हम इस क्रूस पर बलिदान हुए प्रभु को अपने जीवन में हमने स्वीकार किया है, क्या उस प्रभु के द्वारा हमने उसके ऊपर विश्वास किया, पश्चाताप करके नया जीवन पाया है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और यदि हमने उद्धार नहीं पाया है, हम अभी तक परमेश्वर से अलग हैं, तो ये क्रूस हमें ये संदेश देता है कि क्रूस के पास आओ और उस यीशु मसीह पर जो उसके ऊपर बलिदान हुआ उसके ऊपर ईमान लाओ, विश्वास लाओ और अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। और दूसरी बात है कि पहला पॉइंट हमने देखा कि जिस जीवन में मेल मिलाप नहीं आया तो ये क्रूस व्यर्थ है। लेकिन दूसरी बात है, जब मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है और पाप में लगातार बना रहता है तब भी ये क्रूस बहुत बार मेरे जीवन में और आपके जीवन में व्यर्थ ठहरता है। देखा गया है कि मनुष्य एक बार अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर लेता है लेकिन वो बार बार लगातार जब पाप करता रहता है, बार बार अपने पापों को वो दोहराता रहता है, तब बहुत बार ये जो क्रूस है ये हमारे जीवन में व्यर्थ ठहर जाता है। पहला योन्ना हमें इस बात को बताता है, पहला योन्ना हम पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से, पहला योन्ना 1:7 यहाँ पर लिखा हुआ है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं।
यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम लगातार पाप कर रहे हैं, लगातार उस पाप में गिर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें ये बताना चाहता है क्रूस के मार्फत, क्रूस के जरिए, कि जैसा वो ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चलें। और ये यदि नहीं चल पा रहे हैं तो वो इस बात को बता रहा है कि हम धोखा ना खाएं और हम क्या करें, हम अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने जो क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ अपने पापों को मान लें और उसका अंगीकार कर लें। और तब आगे चलकर वो कहता है कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है और हमारे सब अधर्म से हमें शुद्ध कर देने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो यदि हम बार बार पाप कर रहे हैं, पाप में बने हुए हैं लगातार, तो ये जो क्रूस है हमें ये संदेश देता है कि हम अपने पापों को मान लें और यीशु मसीह के पास आएं, अपने पापों का अंगीकार करें, पापों की क्षमा प्राप्त करें और एक नए जीवन को लेकर हम उसके साथ आगे बढ़ें। तीसरी बात है कि कब हमारे जीवन में एक क्रूस व्यर्थ ठहरता है। यदि हम अपनी धार्मिकता से उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत बार ये क्रूस जो है हमारे जीवन में व्यर्थ ठहर जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर जो व्यवस्था थी कि पाप के लिए उनको प्रतिवर्ष बलिदान चढ़ाना पड़ता था, और यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को आकर उस क्रूस के ऊपर पूरा किया और अपने आप को उस क्रूस के ऊपर उसने बलिदान कर दिया। लेकिन देखा गया है कि उस समय भी जब व्यवस्था थी, लोग जो हैं उस व्यवस्था के अनुसार चलते थे और जो कुछ भी व्यवस्था में लिखा था उसको वो पूरा करते थे। लेकिन आज जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान हो गए हैं और उन्होंने सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया है, तो भी बहुत सारे जीवन हैं जो आज यीशु के द्वारा वो जो उद्धार हमारे लिए रखा है, वो जो क्षमा हमारे लिए रखी है, उस उद्धार को, उस नजात को वो बहुत बार अपने धार्मिक कामों के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। और ये धार्मिक काम जो हैं, बाइबल जैसे हमें बताती है कि हमारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान हैं। और आज मनुष्य जो है अपने धर्म के कामों के द्वारा उद्धार को प्राप्त करना चाहता है। गलतियों 5:4 में लिखा हुआ है, बाइबल हमें बताती है गलतियों 5:4 में कि तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। जो लोग व्यवस्था के द्वारा उद्धार पाना चाहते हैं, तो पौलुस गलतियों की कलीसिया को बता रहा है कि तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, तुम मसीह से अलग हो चुके हो और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए सारी व्यवस्था को क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया और हमारे लिए उसने विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा उसने हमें उद्धार दिया है। हमने अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया है। हम परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते थे, ना अभी दे सकते, ना उस समय दे सकते थे। ये अनुग्रह का कार्य है जो उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको प्राप्त होता है। हम कर्मों के द्वारा किसी भी तरह से उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि यदि हम आज अपनी धार्मिकता के द्वारा उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं तो ये क्रूस जो है ये व्यर्थ है। चौथी बात है, ये क्रूस कब हमारे जीवन में व्यर्थ हो जाता है। यदि हम संसारिक घमंड करते हैं तो ये जो क्रूस है ये व्यर्थ है। अब आप कहेंगे
कि किस तरह का घमंड। घमंड की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। बहुत तरह का घमंड होता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर घमंड होता है, लेकिन मैं बहुत साधारण सी चीज़ों को लेकर आपसे बात करना चाहता हूँ। यदि हम संसारिक घमंड करते हैं तो क्रूस व्यर्थ है। घमंड करने के लिए हमारा पास्टर है, हम अपने पास्टर के ऊपर घमंड कर सकते हैं। यार साहब, हमारे जो पास्टर हैं वो तो किसी भी चर्च में ऐसे पास्टर नहीं है। दूसरा, हो सकता है आपके पास बहुत अच्छी चर्च बिल्डिंग हो, जिस चर्च में आप जाते हैं वो बहुत ही खूबसूरत हो और शहर में उसका बहुत नाम हो, दूर दूर जगहों में उसका बहुत नाम हो उस चर्च बिल्डिंग का, और आपको अपने चर्च के ऊपर, उस चर्च बिल्डिंग के ऊपर बहुत घमंड है। हो सकता है कि उस चर्च के अंदर आपकी जो क्वायर है वो बहुत ही सुरीली है, बहुत ही अच्छी है, और वो क्वायर जो है प्रतिवर्ष जब कंपटीशन होता है चर्च में, तो ये क्वायर शायद प्रतिवर्ष प्रथम पुरस्कार जीतती है, और आपको अपनी क्वायर के ऊपर, जो गायन मंडली है उसके ऊपर आपको बहुत घमंड है। लेकिन यदि हम किसी भी चीज़ के ऊपर घमंड करते हैं तो ये जो क्रूस है ये व्यर्थ है। गलतियों 6:14 में लिखा हुआ है, गलतियों 6:14 हमें बताता है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब पौलुस यहां पर गलतियों की कलीसिया को सिखा रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, अपने पास्टर का, अपनी चर्च का, चर्च बिल्डिंग का, अपनी गायन मंडली का, बल्कि वो कह रहा है कि केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर, क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब पौलुस यहाँ सिखाना चाह रहा है कि यदि हमें किसी चीज़ पर घमंड करना है तो वो है मसीह का क्रूस, जिसके ऊपर मसीह बलिदान हुआ, जिसके ऊपर उसने हमारे पापों का कफारा दिया, और जिसने वहाँ से हमारे लिए नजात के द्वार को खोल दिया और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करा दिया। हमें उस क्रूस के ऊपर और उस क्रूस के ऊपर बलिदान हुए यीशु के ऊपर घमंड करना चाहिए, जो हमारे लिए और सारे संसार के लिए बलिदान हो। पौलुस यहाँ पर सिखाना मांगता है कि हमें हमेशा उस क्रूस के ऊपर बलिदान हुए यीशु के ऊपर घमंड करना चाहिए। अब पांचवी बात है कि हम कब उस क्रूस को अपने जीवन में व्यर्थ ठहराते हैं। यीशु का क्रूस, पांचवा पॉइंट है, यीशु का क्रूस आज्ञाकारिता का क्रूस है। यदि हम अपने जीवन में यीशु को हमने अपना प्रभु माना है, अपना उद्धारकर्ता माना है, और यदि हम उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे हैं, तो ये क्रूस जो है ये हमारे जीवन में व्यर्थ है। जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह ने जब वो इस संसार में आए और उनके आने का उद्देश्य यही था कि वो मानव जाति के लिए अपने बलिदान को दें, क्योंकि उनके पिता ने उनको इसीलिए संसार में भेजा था। और यीशु मसीह ने क्या करा कि उन्होंने अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा को माना। एक समय आया कि उन्होंने गतसमनी के बाग में इस बात को कहा कि प्रभु ये बहुत कठिन है, प्रभु हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में रहकर वो अपने भेजे जाने के उद्देश्य को, संसार में आने के उद्देश्य को जानते थे, और वो जानते थे कि वो पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए संसार में आए हैं, और पिता की इच्छा ये थी कि वो समस्त मानव जाति के पापों के लिए अपना बलिदान दे। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया,
प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञा को मानने वाले बने, हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले बने। यदि हम आज्ञा नहीं मानते हैं तो हम उस क्रूस के बैरी हैं जिसके ऊपर यीशु मसीह बलिदान हुआ। फिलिपियों 2:8 में लिखा हुआ है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो मनुष्य के रूप में आया और अपने आप को उसने नम्र किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह लिया। उसने कतई उसमें आज्ञा को मानने से इनकार नहीं किया, हालांकि वो मानव के रूप में था कि प्रभु नहीं, मैं उस क्रूस के ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और उस क्रूस के ऊपर वो बलिदान हुआ ताकि समस्त मानव जाति के लिए क्या हो जाए, उद्धार का द्वार खुल जाए। इब्रानियों उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, 8 पद में, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। आज हम प्रभु से बहुत सुख चाहते हैं, प्रभु से बहुत आशीषें चाहते हैं, लेकिन हम दुख उठाना नहीं चाहते हैं उसके साथ। आज्ञा मानने में दुख जुड़ा हुआ है। जब वे 3 व्यक्ति जो यीशु के पास आए और कहने लगे मैं तेरे पीछे हो लूंगा, यीशु ने कहा ठीक है तुम आओ, मेरे पीछे आ सकते हो, लेकिन पहले ने कहा लेकिन अभी नहीं, पहले मैं अपने पिता को गाड़ा हूं उसके बाद मैं आपके पीछे आऊंगा। वो किसी भी तरह से उसकी कीमत को अदा करना नहीं चाहता था यीशु मसीह के पीछे आने की। बहुत बार मनुष्य भी यीशु मसीह के पीछे आने की जो कीमत है उसको अदा करना नहीं चाहता है, और वो यीशु मसीह की आज्ञा को अपने जीवन से टाल देता है। और आज बहुत सारे एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो अनाज्ञाकारिता का जीवन है, और जहाँ अनाज्ञाकारिता है वहाँ पर परमेश्वर की आशीष नहीं होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम जो उसके अनुयायी हैं, हम जो उसके मानने वाले हैं, हम उसकी आज्ञा पालन करने वाले बने, और हमारा प्रभु यीशु अपने पिता की आज्ञाकारिता में रहा। और यदि हमारे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है तो ये क्रूस जो है हमारे जीवन में व्यर्थ है। और 6ठी बात है, जल्दी से हम देखेंगे, जब हम एक हारा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं इस दुनिया में, तब ये जो क्रूस है बहुत बार हमारे जीवन में व्यर्थ ठहर जाता है। आज बहुत सारे जीवन हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन पाया, लेकिन आज वर्तमान में वे एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, एक ऐसा जीवन जो उन्हें लगातार नीचे की ओर ले जा रहा है। और कभी-कभी मनुष्य जो है बहुत बार अपनी आदतों से हार जाता है, बहुत बार हम अपनी बीमारियों से हार जाते हैं, बहुत बार हम अपनी गंदी आदतों से हार जाते हैं, लेकिन क्रूस की जो शक्ति है, जब हम क्रूस के पास आते हैं तो क्रूस की शक्ति हमें विजय पाने का एक जरिया है, और इसलिए इस क्रूस का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये क्रूस हमें एक शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, ताकि हम एक विजयी जीवन को जिए, एक हारा हुआ जीवन ना जिए। बाइबल में भी बहुत सारे ऐसे जीवन हैं जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को चखा, लेकिन अंत में वे अपनी आदतों से हार गए, अपने स्वभाव से हार गए,
और वे एक हारा हुआ जीवन जीने लगे। अपने पाप से हार गए वो और वे एक हारा हुआ जीवन जीने लगे। लेकिन जिस क्रूस की पौलुस बात कर रहा है वो क्रूस शक्ति का प्रतीक है, वो विजय पाने का प्रतीक है, जरिया है। और हम उस क्रूस के पास जब आते हैं तो हमें वहाँ से सामर्थ्य मिलती है, शक्ति मिलती है, और हम अपनी उन आदतों के ऊपर जिनके कारण से हम हार जाते हैं हमें उस पर जयवंत करता है। दूसरा पत्रस उसका 2:19 पद यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है। दूसरा पत्रस 2:9 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2:19 दूसरा पत्रस 2:19, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं पर आप ही सड़हट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, यीशु मसीह ने हमें अपना दास बनाया है, अपना सेवक बनाया है। और यदि हम ही एक हारा हुआ जीवन जीते हैं तो हम उस आदत के क्या बन जाते हैं, दास बन जाते हैं। आज बहुत सारे जीवन हैं जो नशे के गुलाम हो गए हैं, अपनी आदतों के गुलाम हो गए हैं, और वे एक हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और यदि हम एक हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हम क्रूस के पास आएं और वहाँ पर उस यीशु की ओर देखें जो हमें विजय की ओर ले जाता है। क्रूस हमें विजय की ओर ले जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने वहाँ पर शैतान को हराया, शैतान को कुचल दिया, उसके उसकी सामर्थ्य को कुचल दिया, और शैतान वहाँ हार गया। इसी तरह जब हम उस क्रूस के पास आते हैं तो हम जो अपनी आदतों से हार जाते हैं हम वहाँ पर विजय प्राप्त करते हैं। चाहे कैसी भी आदत क्यों ना हो हमारे जीवन में जो जिसने हमें गुलाम बना लिया है, क्रूस हमें उससे स्वतंत्र करता है और उस पर विजय पाने की सामर्थ्य देता है। और अंतिम बात है, जितने लोग मृत्यु से भयभीत हैं और डर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए क्रूस जो है वो व्यर्थ है। आज बहुत सारे जीवन हैं जो मृत्यु से बहुत डरे हुए हैं कि अरे मर जाएंगे तो क्या होगा, अरे हम मर जाएंगे। उनके लिए मृत्यु एक भय का शब्द है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है हमें बताता है, इब्रानियों 2:14 यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। यीशु मसीह ने जितने लोग मृत्यु के डर से उस गुलामी में फंसे हुए थे यीशु मसीह ने क्या कर लिया, उन्हें छुड़ा लिया। कैसे? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और यीशु मसीह हमें और आपको भी ये सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मृत्यु जो है हमें उससे भयभीत नहीं होना है, क्योंकि मृत्यु जो है वो जीवन का अंत नहीं है। हम इस मृत्यु के उपरांत अपने परमेश्वर पिता के पास जाएंगे और उसके साथ संगति करेंगे, एक नया जीवन वहाँ पर हमारा होगा उसके साथ। तो ये जो क्रूस है ये हमें मृत्यु के ऊपर भी जयवंत करता है और हमें उस भय से आज़ाद करता है। यदि हम मृत्यु से डरे हुए हैं तो हम यीशु के पास आएं जो मृतकों में से जी उठा, और वो हमें इस मृत्यु के भय से आज़ाद करता है, क्योंकि क्रूस की जो सामर्थ्य है हमें मृत्यु के डर से उसके भय से आज़ाद करती है। यीशु का क्रूस मृत्यु से जीवन में पहुंचने का साधन है। जब हम यीशु के क्रूस को अपने जीवन में अपनाते हैं तो क्रूस मृत्यु से जीवन में पहुंचाने का साधन बन जाता है। और अंत में प्रभु हमारी सहायता करें
कि हम क्रूस के महत्व को अपने जीवन में समझ सकें। तो प्रभु हम सब की सहायता करें ताकि ये क्रूस हमारे जीवन में किसी भी तरह से व्यर्थ न ठहरने पाए, बल्कि हम क्रूस की सामर्थ्य को अपने जीवन में लगातार उसमें बने रहें और उसमें बढ़ते चले जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अपने वचन की रक्षा कीजिएगा, अपने लोगों के साथ होइएगा और प्रभु जी आगरा मसीह मंडली के पेज पर आपकी आशीष बनी रहे। और आपने अनपनवेट सर के लिए, उनकी बहन शबनम जी के लिए हम दुआ करते हैं, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं खुदावन, कि आप उन्हें बहुत आय से आशीष दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, जीवन और तंदुरुस्ती दें। बड़े धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे प्रभु ने चाहा तो हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए आप सबको मेरा सलाम मिले।